नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। माँ भवानी जी हमारे साथ में है, महामंडलेश्वर है। और माँ भवानी आज आप पूरे गेटअप में आज माँ भवानी को देखेंगे, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा आयोजन जो है दिल्ली नजफ़गढ़ में हुआ है। जय श्री महाकाल। मैं भवानी माँ। देखिए, ये हम आयोजन क्या करेंगे, हम समरसता से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, हम किन्नर समाज, समाज में ही रहते हैं। और कोई कहते ना कि भाई समाज को, समाज कभी नहीं जुड़ता, हमें समाज से जुड़ना पड़ता है। हम समाज से जुड़े, हमने कोशिश करी समाज को एक करने की, क्योंकि औरत आदमी तो समाज बांटता है और बांटता रहा है, कि औरत आदमी ने अपनी रचना को ही नहीं अपनाया तो अपने समाज को क्या अपनाएंगे, अपनी जात को क्या अपनाएंगे, अपने देश को क्या अपनाएंगे। इन औरत आदमी ने बांटना सीखा है, भाई को भाई से बांट दिया, औरत को औरत से बांट दिया, तो सभ्यताएँ भी बांटते चले गए। एक मेरा समाज है किन्नर समाज। आप तो भाई एक घर बनाते हो, एक किन्नर पूरा क्षेत्र मांगता है। आपका इस इलाके में एक घर हो सकता है, डॉली का ये इलाका है, इसका घर घर उसका है, उसके हर घर की खुशी डॉली मांगती है। पता नहीं क्यों समाज को हिंदू मुसलमान जातों में बांटते हो। आप बांटिए ना भाई। अभी इधर ही डॉली के गुरु का 2-3 साल पहले इंतकाल हुआ, तो क्या उसने उसका जनाजा नहीं उठाया उसने, क्योंकि उसकी गद्दी का डॉली मालिक बन सकता है, उसकी प्रॉपर्टी का डॉली मालिक बन सकता है, उसके इलाके का डॉली मालिक बन सकता है, तो उसका जनाजा कौन करेगा, डॉली ही करेगा। तो डॉली उसको क्या हिंदू बच्चा हो के उसे जलाता नहीं। अरे जो परंपराएं हैं, जो गुरु की परंपराएं हैं, तो उस हिसाब से हम चलाएंगे। हमने चलाई, हमने कभी नहीं सोचा कि डॉली हिंदू है, कि ऊंची जात का है, कि मैं नीची जात की हूँ, मुसलमान है, हम गद्दी वाले हैं। अरे जात पात औरत आदमी अपने तक रखो ना भाई, तुम परिवार वाले हो, हम गुरु वाले हैं। और गुरु एक समरसता का एक जड़ होते हैं ना, मेन जड़ होती है, उसके अंदर सारी पत्तियाँ सारी डाली सब समाती, क्योंकि वो गुरु होता है। उसके पास कोई चेला किसी जात का नहीं होता है, किसी भाषा का नहीं होता है, चेला चेला होता है। और यहाँ पे जो समाजवाद और परिवारवाद औरत आदमी में है, औरत आदमी हिंदू मुसलमान बनाता, किन्नर नहीं बनाता। छुआ छूत जो तुम्हारी समाज का गंध है ना, वो धीरे धीरे मेरे समाज में भी आने लगा है। तो हमने तो संभल गए भाई, मैं फिर बोल रही हूँ, समाज से कह रही, हम तो फिर भी संभल गए। मेरे समाज में जो भी गलतियाँ थी या कमियाँ थी, कोशिश करी सुधरे ना, आज मंदिर बना दिया। और मंदिर बनाना कोई हमारी खुशी नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी है। ये हिंदुस्तान में दुआ देने वाले को भी हिंदू मुसलमान बना दिए 2014-15 में। यहाँ तो समाज देश ने हमें संविधान में अधिकार दिया 30 जेंडर होने का, और उसी के तुरंत बाद हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। हमें कह लगे जी इनको बधाई मत दो, ये मुसलमान हैं, ये हिजड़े हैं, ये मस्जिद बनाते हैं, ये नवाज पढ़ते हैं, ये हज पे जाते हैं। बस जो परंपरा हमने आँख खोल के देखी वही तो जानेंगे। वेद तुम लोगों ने पढ़े थे, तो वेद में किन्नरों का उल्लेख देवताओं में था। जो इस्लाम में हुआ वो हमने करा, हमारे गुरु ने इलाका मंगवाया, हमने इलाका मांगा। हम धंधे वाले गुरु के पास गए तो हमने धंधा करा, हम रेड लाइट गुरु वाले पे गए तो रेड लाइट मांगा, हम मुजरा करने वाले के पास गए तो मुजरा करा। भाई जैसी प्रथा थी वैसी तो करेंगे, और सारे इस्लामी प्रथा थी, मुजरा करना, नाचना, फकीरी, फकीरी उधर ही है, हमारे इधर तो भिक्षा बोलते, उधर फकीरी बोलते, तो फकीरी जैसे मांगते हैं, दुआ करते हैं, वहाँ पे भी दुआ करते चलाए। हम लाख कितने भी मुसलमान होते थे अपने डेरों में, लेकिन हिंदू के घर राधा कृष्ण की लोरियाँ ही गाई हमने, चाहे अकेले में जाके हमने नवाज पढ़ी, क्योंकि मंदिरों के रास्ते तो आपने खोले ही नहीं, वेदों को तो जानते ही नहीं, एक हिजड़ा मंदिर में प्रवेश कैसे करे। हाँ आज मैं किन्नर हूँ, सनातन से निकला हूँ, हाँ एक हिजड़ा मस्जिद में प्रवेश कर सकता है, काबा जा सकता है, हज कर सकता है, क्योंकि इस्लाम ने उसे अधिकार दिया है। और मेरे तो ऑलरेडी सनातन धर्म में अधिकार था, वो तो आप लोगों ने छीन लिया, मेरा मठ मंदिर आपने छीन लिए। 12.5 प्रथा थी, उसमें से 13 प्रथा सखी प्रथा बना दिया, किन्नर प्रथा ख़त्म कर दिया, क्योंकि 12.5 पंथ में आधा पंथ किन्नरों का था। ये वेद कहते, भवानी माँ नहीं कह रही है, रामायण में 17 जगह मेरा उल्लेख था, सागर मंथन में मैं थी, ठीक है ना, धर्म की स्थापना कुरुक्षेत्र में थी, उस समय भी शिखंडी बन के मैं ही खड़ी थी।
अर्जुन को भरणला के रूप में मेरा ही रूप ने छपा रहा था, महादेव को भी ना मोहिनी बन के हमने ही बचाया था, और आज फिर धर्म में हुआ है, आज फिर धर्म हुआ है तो फिर किन्नरों को वापस आना पड़ा है। राम को लोरी भी हमने दी है, कृष्ण के साथ सखी बन के हम ही नाचे हैं, हमने तो महादेव को मजबूर कर दिया था रासलीला में आने के लिए। हम तो वो प्रथा हैं, हम देवताओं के, हम उपदेवताओं में गिनती आते हैं, गिनती है और गिनती रहेगी। हमें धर्म में मत बांटिए, ये गद्दियाँ गुरु वाली है और गुरु के पास कोई भी जात का बच्चा आ सकता है, क्योंकि आत्मा, आत्मा एक परमात्मा से आती है, ठीक है ना, या नू की कश्ती बोल लीजिए या मनु का ताबो बोल लीजिए, दोनों प्रथा एक ही हैं, मानने के तरीके अलग है। कोई भी धर्म ये नहीं सकाता कि आप प्रेम करना छोड़ दो, अपना बनाना छोड़ दो, ये जातों ने बनाया कि छुआछूत कर लो, ऊंच नीच बोल लो, धर्म में कहीं नहीं लिखा। क्योंकि ये मैं बोलती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी तो नहीं, मैंने बहुत सुना, बहुत कुछ है, कुरान भी सुना है मैंने, गीता भी सुनी, रामायण भी सुनी और उसका वेद भी सुना है, और सुन के जो स्मरण करता है उसको याद रहता है, पढ़ के तो भूल जाते हैं। मैं आज 52 साल की उम्र में अपनी मेमोरी इतनी तेज़ रखती हूँ कि मुझे पहले की बातें याद रहती हैं। लेकिन भवानी, आपने बताया कि जो डोली माँ है उसको जो है, जो उनकी गुरु थी, जो मुस्लिम थे, उन्होंने उनको अडॉप्ट किया, लिया। अडॉप्ट नहीं किया, वो अपने परिवार से निकल के शुरू में जिस किन्नरों के पास गया, उन्होंने उसे बनाया, सवारा, मांगने खाने वाला बनाया, वो वहाँ पर उसके अत्याचार हुए, उसके गुरु ने देखा भी अत्याचार हुए तो उन्होंने वहाँ से उसको लिया। तो उस गुरु के जो दक्षिणा होती है, हमारे में चाहे कुछ भी बोल ले, पेमेंट बोल दो, हम तो दक्षिणा पेमेंट उसका दिया, तो डॉली को वो लेके आए थे। आज से 37 साल पहले की बात है ये। वो कितनी दक्षिणा होगी 37 साल पहले? देखो वो एक बड़ी रकम थी 37 साल पहले। हाँ, एक बड़ी रकम थी बस। तो 37 साल पहले कभी जो उनके गुरु थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है या कोई और जाति से है तो मैं इसको क्यों लूँ? नहीं, ये तो अभी 2010 के बाद, 2010 के बाद, 12-13 के बाद हिंदू मुसलमान ज़्यादा होने लगा, पहले किन्नौरों में कभी नहीं होता था जी। ये था ही नहीं। 2015 के बाद हमारे किन्नौरों में डर लगा कि जी हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं, ये कुछ हिंदू संस्थाओं ने हमारे खिलाफ़ ये कर दिया था कि हमारे घरों में, हमारे इलाकों में पोस्टर छाप दिए कि जुड़ों को बधाई मत दो, ये मुसलमान होते हैं, ये मस्जिद बनाते हैं। तो आज क्या हो रहा है, अब हिंदू आके मठ और मंदिर बना रहे हैं। भाई जो धर्म को माने, हम तो धर्म की जगह बना सकते क्योंकि हम तो सन्यासी हैं, हम तो निर्वंशी हैं। आस औलाद वाला घर बनाएगा, मकान बनाएगा क्योंकि उसकी औलाद बढ़तेगी। हम किन्नर हो या बाबा, आश्रम बनाएंगे, मठ बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे या डेरे बनाएंगे, और परिवार के लिए नहीं बनाएंगे, अपने चेले नातियों के लिए बनाएंगे। बाबा भी अपने चेलों के लिए बनाता है और हिजड़ा भी अपने चेलों के लिए बनाता है, क्योंकि हिजड़ों के बच्चे पैदा नहीं होते और बाबाओं के भी नहीं। लेकिन आजकल है कुछ बाबाओं के बच्चे पैदा होने, बाबा के बाद उसके बाबा बच्चा बन जाता है, यहाँ पे हो रहा है, बाबाओं में हो रहा है, किन्नौरों में तो बच्चे पैदा होते ही नहीं, किन्नौरों के तो चेले ही गद्दी वाले बनते हैं। एक सबसे साफ सुथरी प्रथा अभी भी बची हुई है किन्नर समाज की प्रथा, जिसमें चेला, गुरु चेला ही चलता है, बाप बेटा नहीं चलता। और प्रथाओं में सब में बाप बेटा, मौलाना का बेटा मौलाना बन गया, बाबा का बेटा बाबा बन गया, कछावातक का कछावातक बन गया, ये चल रहा है ना। देखो आसाराम, आसाराम का बेटा बना ना, कितनी जगह दिखाऊंगे, मंत्री का बेटा मंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। यहाँ सिर्फ किन्नर, या तो मेरा चेला हिजड़ा होगा या किन्नर होगा, वो माँ नहीं बन सकता, बाप नहीं बन सकता, एक दुआ वाला, एक चलता फिरता भगवान बन जाता है। अच्छा, आपने बताया कि सबके वृद्ध आश्रम होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं, लेकिन आज तक किन्नर आश्रम नहीं देखा गया, इस पर क्या कहेंगे? ये तो आपको सोचने का विचार है, अध्ययन कीजिए ना, पूरे हिंदुस्तान में रहते और मीडिया वाले आप एक आध ढूंढ के दिखाइए ना मुझे, भाई यहाँ पे हिजड़ों को बचपन से रखा जाता है। मैंने भी नहीं देखा, मैं इसलिए आपसे फिर यही बोले ना, आपने तो कभी ये भी नहीं देखोगे हिजड़ों को जूती मारते मारते समय नहीं देखा, वो सुना है ना? सुना है।
तो ये तो तुमने ये सुना भी नहीं होगा, जो सुना नहीं उसको तुमने पूरे मीडिया में निकाल दिया, रात को 12 बजे लाश लेके जाते हैं, जूतियों से मारते। अरे पागलों के बच्चों, जब मेरे गुरु मुसलमान, मैं मुसलमान हो गई तो मैं कब्र में जाऊंगी कि मुझे जूतियों से मारा जाएगा? इसी दीपक बिहार में उनके गुरु का जनाजा गया था और पूरे शान शौकत से गया था, और इसी दीपक बिहार ने देखा है। अरे हम जिंदा, तुम जिसको लाश बना के फेंक देते उसे हम मरने नहीं देते, तो मरे हो क्योंकि जूती मारेंगे। कितने पागल समाज हो रहे, जो भी कुछ भी अपना आप ही बनाते, कुछ ही भोक लेते, खुद ही इजड़ा पैदा करते, भगा देते, फिर उसके ऊपर कहानियाँ भी खुद ही लिख देते हो। कभी इजड़ा बन के जिए हो? हम इंसान बन के जीना सीख गए, तुम्हारे बीच में रहते हैं, हम तो समाज से भी नहीं जाते। भवानी, ये किसी ने तो कहीं ना कहीं कुछ तो देखा होगा, तभी किसी ने ये बताया कि रात को 12 बजे जाते हैं और ऐसे जूतियों से पीटते हुए ले जाते हैं। मेरे से ज़्यादा सच्चाई कौन बोलेगा जो मैंने ही नहीं देखा 52 साल की उम्र में? कम से कम मेरे सामने हजारों तो हिंदू हिजड़े मर गए, हजारों मुसलमान बन गए, मर गए। मैंने कब्र में, शमशान में ले जाते देखा। हाँ, ये नहीं, पिंडदान वगैरह नहीं होता था, जला दिया जाता था, बस हो गया काम पूरा, इतना होता था। लेकिन हमने 2017 से जितने भी किन्नर मरे उनका पिंडदान भी चालू करा, वो भी आपने नहीं देखा होगा। मैं तो ऑल इंडिया मीडिया में कहती हूँ, आपने कभी किन्नर अखाड़ा भी नहीं देखा हो, ऑल इंडिया में किन्नर अखाड़ा है। कभी किन्नर को लड़ते हुए नहीं देखा, मैं चुनाव लड़के दिखाया। कभी किन्नर का ऐसी सर्टिफिकेट नहीं, वो सरकार ने देख लिया, देखा ना। तो आप तो देखे और लिखे हुए पे करते हो ना, तो भवानी माँ पे मुसलमान का सर्टिफिकेट है भाई, देखना है तो सनातन का सर्टिफिकेट है, संन्यास का सर्टिफिकेट और ऐसी सर्टिफिकेट है। एक नपुंसक इंसान पे इस देश के 4 सर्टिफिकेट है। पासपोर्ट मेरे पास है, आधार कार्ड मेरे पास है, ठीक है ना। चुनाव में लड़ गई, अपने बच्चे मैंने पढ़ा दिए, गाड़ी मैंने खरीद ली। मैं तुमसे कहाँ कम हूँ रे, जो कागज़ तुम पे नहीं वो कागज़ मेरे पे हैं। और मैं हज भी कर लिया, मदीना भी कर लिया, फिर मैं किन्नर की किन्नर, मैं हिंदू भी बन गई, मुसलमान भी बन गई। ये तो बनने वाली चीज़ है, इंसान बनी हूँ अब मैं, जब जाके मंदिर मठ और मस्जिद और मदरसे बनाते हैं, क्योंकि हम इंसान के बच्चे हैं। तुम औरत आदमी के बच्चे हो तो औरत आदमी बनती हो, हम गुरुओं के बच्चे हैं। इंसान की औलाद जरूर है कि इंसान हमें हमारा गुरु बनाता है, तो इसलिए ओम गुरु हाय नमः। अच्छा माँ भवानी जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपने यूरोप में भी आपकी बुक छपी है और फिल्म इंडस्ट्रीज में भी आपको रखा गया था, जूरी में रखा गया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमने अपनी मौजूदगी, मैं तो मौजूद तो वेदों में भी थी ना, जब तक मैं उन जगहों पे जाके अपनी उपस्थिति नहीं दिखाऊंगी तो कैसे होगा। मेरे को बीच में जब हमें किन्नर अखाड़े से बना लिया और हमने अपनी लड़ाई लड़ ली, तो मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा देखो जी मैं जूरी मेंबर बनूंगी, लेकिन मेरे क्लास को डालना पड़ेगा, आप इतनी सारी फिल्में बनाते हो। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कभी औरत को इजड़ा बना देते हो, क्यों आपको इजड़े नहीं मिलते इजड़े का रोल करने के लिए? आप कलाकार हो, इजड़े के रोल पे इतना पैसा कमाते हो, कभी तुम हमें लड़की बेचने वाला बना देते हो, कभी शरीर बेचने वाला बना देते हो, और उसकी सारी रॉयल्टी आप ही खा जाते हो। कभी समाज की तरफ देखा वो कैसे जीता है? क्या हो रहे तुम लोग, पत्रकार बना लो, चाहे तुम्हें लेखक बना लो, मीडिया वाले बना लो, हमें बेच के बच्चे पाल रहे हो आज? शर्म नहीं आती तुम्हें, जिन बच्चों को दुआ हम देते हैं, थोड़ा तो शर्म करो। जब उन्हें लिहाज आए, इतनी बात मैंने कही उनको, भाई हमारे को हमारे जेंडर का, तुम क्या बना रहे हो, सही भी बना रहे हो गलत बना रहे हो, क्या मेरे जेंडर के मैसेज जाता, तो उस लिए मेरे जेंडर का भी एक प्रेजेंटेशन हो रखना पड़ेगा, आपको एक उम्मीदवार रखना पड़ेगा, क्यों तीसरे जेंडर पर या तो फिल्में बनाना बंद कर दो। और बनाते हो जो आपने कलाकारी करी वो सच भी करी है कि नहीं करी, तो उसमें किन्नर बैठाइए, ना कि आप जज बन के बैठ जाइए। आप कला देख रहे हो, हम हकीकत देखेंगे, हम जज होंगे तो हम हकीकत देखेंगे, हम संस्कृति देखेंगे, हम परंपरा देखेंगे, आप क्या देखो कलाकारी? वो तो कोई भी बन जाएगा। करीना कपूर बनी थी ना चमेली में, तवाइफ का रोल करते थे, वो तवाइफ बन गई थी? नहीं बनी थी ना, कुछ महीने जाके ट्रेनिंग ली थी, समीता पाटिल ने भी ली थी, जाके लेनी पड़ती है। और कुछ दिन रहने से हिजड़ा नहीं बन जाओगे आप, किन्नर नहीं बन जाओगे। आपने क्या अधिकार दिला दिया? मैं ट्रांसजेंडर बोर्ड से कभी नहीं डरती और ना ट्रांसजेंडर कमेटी से डरती, लेकिन आपने फिर क्या कर दिया, आपने गे, लेस्बियन, होमोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर सब मेरे साथ घुसेड़ है दिए, हैं? ट्रांसमैन, ट्रांस वूमेन, नकली आदमी, नकली औरत, वो माँ के नाम से नकली आदमी बन गए, लड़का से लड़की बन गए, सर्टिफिकेट वही है।
वो तो ऑफिसर बन जाएगा, हम तो अंगूठा छेप भाई, 13-13, 14-16 3-3 साल में निकाल देने वाले लोग, हमें कौन पढ़ाएगा। मैं 2014 से मान्यता मिली है और जो जो 14 से पहले बालिक हो चुके वो क्या करे भाई। मेरे तो समाज का भी 2014 से लेके 14 साल 15 साल और परीक्षण करना पड़ेगा, तो जब मेरा बच्चा 12वीं करेगा, इस 12-14 साल में हम क्या करेंगे। उधर तो फिर ट्रांसजेंडर बैठ जाएंगे, पढ़े लिखे हैं क्योंकि वो लुगाई बन गए, कोई लोग बन गया, कोई लेस्बियन हो गया, लड़का लड़की रह सकते, कोई गे बन गया, दिन में मर्द रहेगा रात में लुगाई बन जाएगा, हम क्या बने भाई। दिन में बिजड़ा रात में बिजड़ा, दिन में भी किन्नर रात में भी किन्नर। इस सनातन धर्म का है सभ्यता है, सनातन धर्म की रखो। इस देश में किन्नर को और हिजड़े को स्वीकार करेंगे तीसरे जेंडर में, समझे। गे लेस्बियन तो अपने माँ के नकली बेटा बनाओ, तो अपने बाप से अधिकार लो ना, आदमियों से लो। किन्नर ट्रांसजेंडर बोर्ड में क्यों ले रहे हो आप, किन्नरों से क्यों ले रहे हो। तुम नकली आदमी बने तो आदमियों से अधिकार लो, औरत बनी तो औरत से अधिकार लो, शादी करो, ब्याह करो, बच्चे लो, डोली में जाओ, हम मना कर रहे हैं आपको। तुम ट्रांसमैन बन गए, किसी लड़की से शादी करो, बच्चा गोद लो, कुछ भी करो, हम मना कर रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकार क्यों ले रहे। तुम अपने बाप का नाम चलाओ ना ट्रांसमैन ट्रांसवुमेन बन के। हम गुरु वाले भाई, ट्रांसमैन को मैं हिजड़ा बान बोलूँगी, मान लेगा वो, मानेगा क्या, नहीं मानेगा ना। ट्रांसवुमेन को मैं किन्नर बोलूँगी, मानेगा नहीं ना। और जो मेरे अधिकार का निकले वो सब लेके जाएंगे तो कैसे होगा। ये क्या है भाई, तुम पढ़े लिखे हो, बेवकूफ हो। जिसका अधिकार उसको देना सीखो, जिसका सम्मान है उसको देना सीखो। ये पढ़ी लिखी बात किन्नरों के पास मत लाओ, क्योंकि दुआ वाले हमें, और दुआ वालों को कंपटीशन में खड़ा करोगे तुमको सबसे पहले हरा के भगा दे। क्योंकि घर मकान, हम अनपढ़ लोग इतने बड़े बड़े मकान डेरे बनाते हैं सेलों के लिए, कोई हमारा आदमी नहीं कमा के देता, कोई हमारा बेटा नहीं कमा के देता। हम आप लोग बच्चों की दुआ करते हैं, सब सुविधा पाते। और जो इस चीज़ का, जो हमारी बदाई का, इलाके का, इसमें आप लोगों को दूसरे रास्ते से चोर लोगों को घुसेड़ दे रहे हो, ठीक है ना। वो हम जैसे लोगों को परेशान करते हैं, गे लेस्बियन साड़ी पहन के, तुम तो हिजड़ा ही समझोगे उसको, कमाएगा तो वह ऐसा बचने के लिए हिजड़ा बन जाएगा। तो ये तो काम मेरा है ना, गाली हिजड़ा खाएगा, जैसे वही हो गया ना हिंदू धर्म में, जैसे चूड़ा चमार खाता है, मजे सब लेंगे, बेस्ती कौन का हिजड़ा और किन्नर। तीसरे जेंडर में सबको फायदा हो जाएगा, गे को लेस्बियन को गाली कौन खाएगा, हिजड़ा और किन्नर, जैसे हिंदू धर्म में है, मजे सब लेंगे, आरक्षण सब लेंगे, गाली कौन खाएगा, चूड़ा चमार। आ तो वही तो हाल होगी किन्नर के भी और हिजड़े के भी। तुमने हमें तो यहाँ बना दिया, हिंदू भी नहीं बने, कुछ भी नहीं बने, जो अधिकार थे वो सारे तुमने ट्रांसजेंडर बॉर्डर में उसको दे दिए, किन्नर को क्या दिया, कुछ भी नहीं। कल तुम किन्नर को हिंदू बनाना बंद कर दो, मानना बंद कर दोगे तो फिर इसलिए मंदिर बनाने, ये मजबूरी है हमारी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, सही कहते हिंदुस्तान है। गलत नहीं कह रही मैं। तो जो माँ भवानी आप कह रहे, कोई भी इलाके में चले जाते हैं तो कोई आईडी वगैरह तो आप लोगों को ये बनानी चाहिए कि हाँ ये। देखिए बात सुने, जब मेरा आधार कार्ड बना, मेरा घर बना, तो सरकार को सोचनी चाहिए, गद्दी वालों के घर जाएं, उनके चेलों की वेरिफिकेशन करें, उन्हें यहाँ का अधिकारी बनाएं, इस इलाके का कुछ जिम्मेदारी सरकार दे। अरे वोट दे रहे तुम्हें, सरकार बना रहे, तुम इतना भी नहीं कर सकते, फिर कितना करोगे। हमें एक आईडी प्रूफ दिया जाए, हम इतने सालों से इस गद्दी पे, हमारे गुरु का तो हमें मिलेगा, ये घर मेरा है तो हमें मिलेगा, हमारे चेलों को मिलेगा। ये नहीं कहोगे दूसरा इजड़ा नकली आके उस पर कब्जा करके भगा देगा। किसी के चार बेटे होते तो किसी का एक बेटा होता है, चार बेटे व चार चेले वाला जीत जाएगा, जिसका एक चेला हुआ तो तुम्हें क्या पता वो इजड़ा। तुम तो ये जानोगे जड़े जड़े लड़ रहे, कोई भी छीन के भगा देता है। तो मर तो हम रहे ना, शुरू से मालूम है कि इधर डॉली रहती है, तो कल को डॉली के चेले रहेंगे, तो डॉली का यहाँ के एक राजनीति नागरिकता का वो बनाइए, उसका राशन कार्ड बनाइए, उसको बिजली में कुछ कमी दीजिए, क्योंकि वो अनाथ बच्चे ही तो हैं सारे हिजड़े। तुम अनाथालय को देते हो, डेरों को कुछ सुविधाएँ देनी चालू कीजिए, सरकार हो रे तुम, पानी बिजली हमारी फ्री कर देने चाहिए, हम मांगने वाले हैं। मंदिरों को, मस्जिद को, गुरुद्वारा सबको तुम बिजली, हमारे जो डेरों को भी नहीं, हम तो बिल भरते भाई सारा। हम दिल से पूछो, बच्चे वालों से मांगते और बच्चे वालों को ही देते हैं। ये सुविधा दो ना, हम डेरे लेके बैठे, नौका गुरु
50 साल 60-70 साल का होके मर गया, डॉली की 50 होगी, हमारी 50 होगी, हम भी मर जाएंगे, डेरा यहीं बना के छोड़ के जाएंगे, हम नहीं लेके जाएंगे कुछ भी। तो ऐसा भी ना करो, जो औरत आदमी सब नौकरी कर रहा, पैसा कर रहा, हर चीज़ नौकरी, हम तो सिर्फ बधाई मांगने वाले, हमें कहीं तो रहम करो। और सवाल है मन में, सलमान खान को पाकिस्तान का किन्नर दिखता है खूबसूरत, लेकिन माँ भवानी क्यों नहीं दिखाई दी? देखिए मेरे ताजमहल ना 8वां अजूबा है, तो कुतुब मीनार नहीं दिखता तो क्या हो गया, अजूबा ख़त्म हो जाते हैं, अजूबे अजूबे रहते। सलमान खान ने अपनी फिल्म के लिए एक किन्नर को पसंद किया था, लेकिन वो क्या हुआ, वो वायरल हो गई ज़्यादा, इसलिए वो शायद हो सकता है वो कैंसिल हो गया, लेकिन इंडिया में माँ भवानी इतनी खूबसूरत है, वो दिखाई क्यों नहीं दी? देखिए मैं पहले बोलती हूँ, उनका चेहरा खूबसूरत है, मेरा चरित्र खूबसूरत है, उनको मेरा चेहरा दिखता, चरित्र नहीं दिखता। जिस दिन सलमान खान को लगेगा कि हाँ उसको मेरे साथ फिल्म बनानी चाहिए, भवानी में हाँ करेगी, क्योंकि वो मेरे देश का है। अक्षय कुमार ने अभी जब लक्ष्मी बम बनाई थी तो 2019 भवानी माँ ने लड़ा था, मैंने तो वो भी रॉयल्टी नहीं मांगी, कंचना में डॉक्टर बनी थी, ठीक है ना, लक्ष्मी बम में लक्ष्मी का रोल अक्षय ने भमाया है, तो जो दूसरी थी ना, जो इलेक्शन 2019 का भवानी लड़ रही थी, हम तो हमारे तो तुम कहानियाँ भी चुरा लेते आशीर्वाद लेने के चक्कर में, तुम तो हमें कुछ देते नहीं, हम तो और आशीर्वाद और दे देते। जिस दिन सलमान खान चाहेगा कि भवानी के साथ कोई प्रोग्राम होना चाहिए तो मैं ज़रूर उसको हाँ करूँगी, मैं मना नहीं करूँगी जी, क्योंकि मेरा हीरो है जी। बिल्कुल धन्यवाद। चलिए लास्ट में जागो समाज चैनल के लिए क्या कहना चाहिए? देखो जागो समाज तो ये मेरा समाज है, ये मेरा चैनल है, और भी समझता के लिए बन रहा है ये, क्योंकि हम जातों में बहुत सारे बट गए, और युवाओं के लिए ये चैनल है, खासकर युवाओं के लिए, हिंदुस्तान के जो 70% युवा हैं मेरे, सिर्फ युवाओं के लिए, ना कि हिंदू मुसलमान जात वालों के लिए, युवाओं के लिए ये चैनल बन रहा है, इसीलिए सबको एक बराबर जगाने की कोशिश है इस देश में। जब सारे एक जगह जग जाएंगे तो शायद हमें फिर लड़ना भी नहीं पड़ेगा, और पाकिस्तान ये वो क्या करता फिर हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हमारे देश के तब को सोचना तो देखना तो क्या सोचेगा भी नहीं, जिस दिन मेरा समाज जाग जाएगा जी। धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, धन्यवाद।